ब्रेक के बाद बुलेटिन खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शॉपिंग मॉल, पार्लर, सैलून का भी शटर खुल चुका है, फिर से लौटने लगी है रौनकें। और सीधा रुख करेंगे हम जमशेदपुर, वहां से लाइव हम अनि अमृता से जुड़ेंगे और वहां का नजारा, इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते हम जानना चाहेंगे अनि अमृता, अब चूंकि शॉपिंग मॉल और जो सैलून है वो खुल चुके हैं, तो किस तरह से वहां पर अब नजारा देखने को मिला, क्या लोग अब शॉपिंग के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए निशान, चूंकि लोगों में डर भी है तो बाजारों में वैसी रौनक तो नहीं है, लेकिन मॉल जो खुला है तो मॉल में आपको थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोगों ने सैलून का उसी दिन दिखा दिया था जब सरकार ने ऑर्डर किया था, तो कैसा माहौल था हम लोग गए थे वहां पे, हमने आपको दिखाया था। आज हम मॉल में, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये PM मॉल है। आप आमतौर पर इस गलियारे में काफी भीड़ रहती है और ये तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, उन सब के यहाँ पर स्टोर है, लेकिन इक्के दुक्के लोग दिखेंगे आपको। और यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, लिखा भी हुआ है और रेड मार्क्स लगाए गए हैं। इस तरह की व्यवस्था के साथ दिशान अब जो है यहाँ पर जो है आपको रौनकें देखने को मिलेगी, यानी सब कुछ होगा पर वो थोड़ा बच बच के चलना है। हमारे साथ एडमिन हेड है मॉल के, नितेश जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है और लोग का रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग पालन भी कर रहे हैं, हम लोग देखा हमने यहाँ पे, तो किस तरह की व्यवस्था है? जैसे कि कोरोना का काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ गया है, लोग काफ़ी जो है इसको कंप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे एंट्रेंस में हम लोगों ने बॉडी टेम्परेचर लेना, मास्क, ये आरोग्य सेतु और सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड, ये सभी चीज़ों का व्यवस्था के साथ में लोग कंप्लाई कर रहे हैं। इवन लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मॉल के अंदर भी लोग जो है उसको पालन कर रहे हैं। उम्मीद है हमें कि काफ़ी जल्द ही जो है इस परिस्थिति से हम सब जो है उभर जाएंगे। निशान, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स अन्य लोग हैं, फेस शील्ड के साथ यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए बाहर जो एक सिक्योरिटी गार्ड, वो एक महिला को वहाँ पे उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। और इस तरह से लोग इस गेट से एंट्री लेते हैं, यहाँ से जाते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य पर जाते हैं। तो जैसी रौनक यहाँ पे आमतौर पे होती थी वैसी नहीं है, लेकिन आज पहला दिन है जब ये खुला है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो नियम कानून अब जो नए दौर के हैं उसका पालन करते हुए है, बहुत रुक रुक कर, और आपको अपना काम करना है और ये नहीं कि काफी ज्यादा भीड़ हो जाए, उसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। खुद जो है प्रबंधन के लोग जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी शॉप में, किसी भी स्टोर में या किसी भी एरिया में ज्यादा लोग ना आ जाए, इसके लिए भी काउंटिंग होती है कि हाँ कितने लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग रहेगी। अगर कभी ऐसा लगेगा कि ज्यादा संख्या में अंदर लोग आ रहे हैं तो बाहर ही रोक दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था चल रही है दिशा जी। अन्य अमृता, और धीरे धीरे जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, और आप जहां पर खड़ी है वहां की तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे, कई ऐसे ब्रांड्स की दुकानें जो खुली नजर आ रही है, हालांकि आपने जिस तरह से बताया कि अब पूरी तरह से सैनिटाइज करके और साफ सफाई के साथ और जो भी गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं इन शॉप के मालिकों के लिए, तो वो पूरा किया जा रहा है। थोड़ी तस्वीरें आप दिखाइए जहां पर आप खड़ी, हम देखना चाहते हैं, दर्शक देखना चाहते हैं कि वहां और किस तरह की जो कंपनियां, ब्रांड की जो दुकानें हैं वो खुली हुई है और क्या वहां पर किस तरह से लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो दिखाएं कि कौन कौन से यहाँ पे ब्रांड्स और क्या क्या स्टोर दिख रहे हैं। एंकर कह रहे हैं कि जरा उनको दिखाया जाए, तो दर्शकों को ये दिखाएं कि ये पूरा जो गलियारा है दिशान, में बता दूं आपको, सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी स्टोर है वहाँ पे और लोग जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे, जो आपको फ्लोर्स दिख रहे होंगे, तो 3-4 फ्लोर का ये मॉल है पूरा, तो वो पूरे फ्लोर में तमाम ब्रांड्स हैं और इसके दूसरी तरफ भी ऐसा ही नजारा है। हम आपको एक तरफ दिखा पा रहे हैं कैमरे में, उसके दूसरी तरफ भी ऐसा ही नजारा है। ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मॉल है दिशान जी। जो PM मॉल है वो बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मॉल है, जो सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ, जो प्रकाश झा ने बनवाया जी। जिसके बारे में आप जानते हैं, तो अब जो है इसकी रौनक जो है धीरे धीरे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल है और आज खुला है और ऐसा नहीं है। देखिए लोगों को ये भी सोचना है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो इस वक्त जो है प्राथमिकता स्वास्थ्य ही है और लोग खुद भी जागरूक हो गए। आप देखिए ऐसा नहीं है कि मॉल खुला तो अब सैकड़ों या हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लोग सोच समझ कर ही निकलते हैं और
लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि जरूरी सामान खरीदनी है। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा मॉल बिहार झारखंड के लिए जिस तरह से बता रही थी अनि अमृता, जो जमशेदपुर में स्थित है, और वहां पर अब जो चूंकि अब लाइफ धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, दुकानें खुल रही है, मॉल्स में जो दुकानें वो खुल रही है, स्पा सलून वगैरह खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शॉपिंग करने के लिए लोग अब धीरे धीरे घरों से निकलेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा तो भीड़ नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना का डर तो लोगों में है ही है। और देखिए किस तरह से वहां पर फॉगिंग भी किया जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है, तो पूरी तरह से जो प्रिकॉशन है वो मॉल्स के अंदर लिए जा रहे हैं। और फिर अब धीरे धीरे लोग इन मॉल्स में पहुंचेंगे और फिर अपनी खरीदारी करेंगे।